स्वागत का ये सिलसिला बस चलता ही जा रहा है। अब उसकी एक और कड़ी जुड़ी है हमारी आदरणीय शशि दीदी जी से। शशि दीदी को हम सभी जानते हैं, फिर भी फॉर्मल परिचय में, आप वाइस चेयरपर्सन स्पोर्ट्स विंग हैं और हम सब जानते हैं मधुबन को, आज आप ही पालना दे रहे हैं। तो शशि दीदी जी से निवेदन है कि आप सभी हमारी आदरणीय प्रभु प्रेम की दीवानी दीदियों का स्वागत करें। आदरणीय शशि दीदी। ओम शांति। प्यारे बाप दादा के शुभ संकल्पों की धरनी, प्यारी दादियों के श्रेष्ठ चरित्र भूमि ज्ञान सरोवर में हमारी सब देश विदेश के वरिष्ठ बहनें, बाप दादा के दिल तक नशीन, हम सब के सामने उदाहरण मूर्त लाइट हाउस, सारे विश्व के सामने वरदानी मूर्त महादानी मूर्त दीदियों को देखकर आज हमें प्यारे बाप दादा के वो महावाक्य याद आते हैं कि एक समय आएगा ये सभी महारथी एक स्टेज पर बैठ करके दर्शनीय मूर्त सिद्धि स्वरूपा अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ऐसी महान शक्तियाँ विश्व के सामने प्रत्यक्ष होंगी। तो आज के इस दृश्य को देखकर बाप दादा वतन से कितने नाखुश हो रहे होंगे। इस खुशी में बाप दादा गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। तो अभी हम सभी बाप दादा के साथ बाप दादा के राइट हैंड्स का अपने ही घर में अपनों के द्वारा ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोर से ताली बजाएंगे। हम ऐसी ताली, पहली ताली हम ऐसी बजाएंगे कि बाप दादा इस सने की ताली की आवाज़ सुनकर आज के इस दृश्य में खुद ही हमारे बीच में पहुंच जाएं। एक बार ऐसी ज़ोर से ताली होगी जो बाप दादा भी ना रह सकें। शाबाश। दूसरी ताली होगी हमारी प्यारी दादी अपनी एडवांस पार्टी के साथ हमारे बीच पहुँचे, ऐसी ज़ोर से हम ताली बजाएंगे कि हमारी दादी भी हमारे बीच में पहुँचे। और तीसरी ताली होगी कि बाबा के वह बच्चे जो इन दर्शनीय मूर्तों को देखने के लिए स्वयं दौड़ करके आ रहे हैं और विश्व के कोने कोने में ऐसी आवाज़ ऐसी लाइट की किरणें पहुंच रही हैं उसको देखने के लिए यहाँ ज्ञान सरोवर के हार्मनी हॉल में पहुंच गए हैं। बजाइए तीसरी ताली। और चौथी ताली होगी भक्तों की भीड़ की, ऐसी सिद्धि स्वरूपा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली साक्षात्कार कराने वाली और एक झलक दिखाने वाली ऐसी हमारी शिव शक्तियों के लिए आज भगत गीत गा करके तालियां बजा करके नाचते गाते हुए दूर दूर से चले आ रहे हैं। उनके मन में कि ना जाने कितने उद्गार हैं, कब हम अपने ईष्ट का दर्शन कर सकेंगे। तो आज वो दृश्य हमारे सामने आ रहा है। प्यारे बाप दादा ने इन राइट हैंड की कितनी पालना की है। पांडव भवन के आंगन में जब हमारी दीदियाँ अपने बाल्यकाल में थी
तो बाबा आंगन में खड़े होकर के दोनों बाहें पसार करके अपनी ही गोदी में लेकर आँखों की पलकों पर बिठा करके ना जाने कहाँ से कहाँ इन्हें बिठा दिया। और हमारी प्यारी दादी तो जब ये बहनें आती थी आंगन में खड़ी होकर के खुशी में नाचने लग जाती थी। तो आज हम बाप दादा को दादियों को अपने बीच में आमंत्रित करते हुए कितनी खुशी होती है कि बाबा ने और दादियों ने इन दीदियों के भविष्य को जानते हुए कितना ऊंचा बनाया, कितना महान बनाया। और आज तो बाबा ने इनको दिल तख्त पर बिठाया है और दिल तख्त नशीन ही संगम के ऐसे तख्त पर बैठे हैं जो सारे विश्व के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट की किरणें पहुंच रही हैं। यही हमारे होनहार सत्युग दुनिया के विश्व महाराजन विश्व महारानियाँ होंगे। तो आज के दिन हम सब मिलकर के अपने दिल के स्नेह द्वारा दादियों का दीदियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबा कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये संगठन ऐसा होगा जो सारे विश्व के अंदर आवाज़ होगी कि देखना हो तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में जा कर के देखो, देखना हो तो फरिश्तों को देखो। तो आज ये ज्ञान सरोवर के अंदर इतनी सभी दादियों का दीदियों का एकत्रित होना ही हमें याद दिलाता है कि ये संगठन कितना मजबूत है। जैसे बाबा कहते थे बच्चे आओ, इनको जैसे ही दीदी ने और ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों ने निमंत्रण दिया तो सभी ने प्यार से स्वीकार किया और हमारे बीच पहुँचे। तो ये भी इस यज्ञ के इतिहास के अंदर एक नया चैप्टर है, नया दृश्य है। ये दृश्य ऐसा दृश्य है जो विश्व के अंदर खुशी की लहर लाएगा, एक नई आध्यात्मिकता की उमंगें फैलेंगी और विश्व के सामने बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का एक सुंदर नज़ारा बाबा ने स्वयं ही क्रिएट किया है। ये तो बाबा की कमाल है, बाबा कर रहे हैं और बाबा ने ही आप सबको यहाँ पर बुलाया है। तो हम सब मिलकर के प्यारे बाप दादा के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ साथ ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। नाम तो केवल सिल्वर जुबली का था, ये सिल्वर जुबली नहीं लेकिन वो जुबली है जो हम सब एक दो के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए और ये सूत्र अटूट है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है और ज्ञान सरोवर निवासी दीदी निर्मला और ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों का सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में स्वागत के साथ साथ बहुत बहुत मुबारक है। मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी जी, आपका भी हम दिल से धन्यवाद करते कि आपने इतना सुंदर वेलकम करा जिसमें सबको आमंत्रित करा आपने और शशि दीदी निर्मला दीदी को स्नेह सौगात दे रही हैं। ज्ञान सरोवर के सिल्वर जुबली, आज कितनी खुशी हो रही है कि कल्प कल्प के लिए हमने कितना सुंदर ड्रामा नूंद लिया। ये सुंदर दृश्य हर कल्प ऐसे ही हम बजाते रहेंगे, कितना ना सुंदर ये आज का दृश्य है। हमारी शिव शक्तियाँ सजी हुई बैठी हैं, ऐसी शिव शक्तियाँ जिनको पूरा विश्व याद करता और जिनसे शक्ति मांगता। जब इतनी शिव शक्तियाँ एक साथ ज्ञान सरोवर में हैं तो आज बाबा ने रूहानी शक्ति कही तो इन शक्तियों की कितनी शक्ति एकत्रित होकर पूरे विश्व में फैल रही होगी
वो सोचकर भी मन में कितना ना आनंद और खुशी होती। तो ऐसी दीदियों की प्रेरणाएं सुनने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारी मुंबई से आई हुई, मैं आज शिव शक्ति कहूँगी, शिव शक्ति योगिनी दीदी जी को, कि वे अपनी प्रेरणाएं हमको देंगी। ओम शांति। हमारी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, मुन्नी दीदी जी, संतोष दीदी जी, स्टेज पर हमारी बैठे हुए सब दीदियाँ, हमारे बाबा के राइट हैंड अथक सेवादारी नूरे रतन ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहने, और साथ साथ आप पधारे हुए भाई बहने, आज दो दिन से हम सब देख रहे हैं कि ज्ञान सरोवर की सिल्वर जुबिली हम सब बहुत खुशी खुशी से धूमधाम से मना रहे हैं। और ये जो हमारे लिए एक अवसर है, ये एक अनोखा है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। मैं तो कहेंगी कि ज्ञान सरोवर की हिस्ट्री में ये सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि बचपन से हमें निर्मला दीदी का साथ रहा, क्योंकि हम एक ही बंगले में मुंबई में ऊपर नीचे रहते थे। तो दीदी से ही हमने ये ज्ञान लिया है, जीवन बनाया है। और कल जैसे हमारी मोहिनी दीदी कह रही थी दीदी के त्याग के लिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि निर्मला दीदी का जो त्याग है वह एक महाभिनिष्क्रमण है। जैसे बुद्ध भगवान के पास सब कुछ था, महल माड़ियाँ प्रॉस्पेरिटी थी जीवन में, और उन्होंने फिर त्याग किया, ऐसे हमारे निर्मला दीदी के भी लौकिक पिताजी बहुत बड़े फिलोंथ्रोपिस्ट थे, और दीदी के पास सब कुछ होते हुए भी इन्होंने अपना त्याग किया। और बाबा ने हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि उनके त्याग का जो है वो भाग्य दिया। दीदी की सिंप्लिसिटी और प्योरिटी से हमें बहुत कुछ सीखना मिला और हम प्रभावित हुए। तो आज मैं निर्मला दीदी को, ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों को, हमारी ओर से इस सिल्वर जुबिली की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। मुझे आज यह ज्ञान सरोवर की स्मृति 25 साल हो गए याद आ रहा है कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो प्रकाशमणि दादी ने मुझे फ़ोन किया कि हमें साउंड सिस्टम के लिए बहुत अच्छा साउंड इंजीनियर चाहिए, क्योंकि हमारे विस्परिंग साउंड जो होता है बाप दादा का वो भी सुन सके। और जब हमने बॉम्बे में और इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग थे, 3 ही लोग थे, उसमें से एक कल हम लोगों ने याद नहीं किया, पर हमारे जाल मिस्त्री जी जिन्होंने पूरा ओम शांति भवन में, ज्ञान सरोवर में, डायमंड हॉल में नीचे साउंड सिस्टम की है। तो दादी ने मेरे को इतना उत्साह उमंग हमने देखा और दादी ने कहा तू कर ट्राई।
तो हमने उनको फ़ोन किया, कोई जान पहचान नहीं थी, तो हमने कहा कि हमारी दादी जी जो हेड है उन्होंने हमको बोला है, तो बोला पार्टी कौन है परंतु, तो मैंने कहा पार्टी तो कोई नहीं है, हम लोग बहने हैं, लेकिन आप हमारे सेंटर पर एक बार आइए। तो वो बहुत बिजी रहने वाले व्यक्ति, परंतु वो सेंटर पर आए, और जब हमने पहले ही उसको बाबा के रूम में लेके गई, तो वहाँ बाबा के रूम में वो बैठे और बाहर आए तो बोला कि भले आप मेरे को माउंट आबू लेके चलो और मैं कुछ आप लोगों से नहीं लूँगा, मुझे ये कमरे में बहुत सुख और शांति का अनुभव हुआ है, आज ही मेरे को लेके चलो। और फिर हम लोग रात को ही निकले और मधुबन में आए, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहेंगी, परंतु इन्होंने ये ज्ञान सरोवर जहाँ आप बैठे हो कितना क्लियर सुन रहे हो, वो पूरा साउंड सिस्टम जो है वो हमारे जाल भाई ने बनाया, और आज वो बाबा के ज्ञान में, और उसको दादी प्रकाशमणि के लिए आज की तारीख में भी 90 से ऊपर हो गए, मैं मिलने जाती रहती हूँ, लेकिन वो दादी को इतना याद करते हैं, ज्ञान सरोवर को इतना याद करते हैं, और इनको दादी के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। उसी तरह से मुझे एक दूसरी भी ज्ञान सरोवर की स्मृति ये आ रही है कि जब 1966 में ये बना, तो पहले पहले विंग्स की सेवा में बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की ओर से यहाँ 100 बहनों की एक ट्रेनिंग रखी गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में, मैनेजमेंट में मेडिटेशन जो है वो क्या हेल्प कर सकता है। तो इंडस्ट्रीज़ में बहनों को इस तरह से ट्रेन किया कि एक सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप का कोर्स हम कैसे करा सकते हैं। हमारे फॉरेन से ब्रायन भाई, मार्क भाई और केन भाई सभी ने एक मास ये प्रोग्राम जो है वो पहला ज्ञान सरोवर में रखा गया, और उसके बाद ये जो बहनें हैं, हमारे यशोदा दी आई है, तो ये जो बहनें हैं उन्होंने फिर अपने अपने एरिया में जाकर इंडस्ट्रीज़ में प्रोग्राम किया। आज मैं आपको कहेंगी कि निमित्त हमारा ज्ञान सरोवर बना है, लेकिन हज़ारों इंडस्ट्रीज़ में ये प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, और इसी के कारण ही आज हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चेयरपर्सन इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी हमारे कनेक्शन में सबके आए हैं, उनका सहयोग रहता है, और जब समय प्रति समय हम मिलने जाते हैं वही पूछते हैं, ज्ञान सरोवर को वो याद करते हैं, ज्ञान सरोवर को कोई भूलते नहीं है। तो मैं ज्ञान सरोवर के लिए यही कहेंगी कि जब बनता था तो हमारे कितने परिवार यहाँ समर्पण हुए, हमारे घटकोपर के बाद में पार्ला आते थे करम सिंह भाई परिवार, सारा परिवार ही यहाँ कंस्ट्रक्शन में, सेवा में सब लग गए, और आज हमें हमारे रश्मि भाई जी बता रहे थे कि कोई भी यहाँ झाड़ पर्यावरण का ध्यान रखा गया, कितनी बड़ी बात है, एक वृक्ष नहीं काटा है, एक पत्थर को ज्ञान सरोवर बनाया लेकिन एक पत्थर को नहीं तोड़ा है, ये बहुत एक वंडरफुल बात है। तो मैं यही कहेंगी कि आगे और भी इस तरह से ज्ञान सरोवर में हम सब, हमें तो है कि ये बहुत अच्छा, ये जो अलौकिक मिलन हुआ, आगे भी ज्ञान सरोवर का एनुअल डे आवे और हम लोग मिले आपस में। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी दीदी। आज इन देवियों को देखते हुए ऐसा याद नहीं आ रहा कि भक्ति मार्ग में 63 जन्म हमने इनों की ही भक्ति की होगी, कभी आरती उतारी होगी, कभी कुछ भजन गाया होगा, कभी उनके जगराते किए होंगे, और क्या कुछ नहीं किया होगा। दिल तो कर रहा है बहुत कुछ किया जाए, लेकिन समय कम है, कम समय में ही अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय संतोष दीदी जी से। हम सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की भी डायरेक्टर हैं, और आजकल पूरे भारत की सेवा में भी आपका सहयोग रहता है। तो मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आज के इस पर्व में अपनी शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएँ प्रदान करें। संतोष दीदी जी। ओम शांति।
ये दृश्य देख करके ऐसा लग रहा है आज जैसा आजकल मंदिर बनते हैं. पहले एक देवी या देव का एक ही मंदिर बनता था, परंतु आजकल भक्तों ने ये बड़ी आइडिया किया है, ए टू जेड सब देवी देवताओं को एक ही मंदिर में बिठा देते हैं, जो एक भी ग्राहक कहाँ नहीं जा सके, उनके हाथ से नहीं छूटे, इसीलिए बनाते हैं. यहाँ तो लक्ष्य नहीं है, परंतु मैं समझती हूँ ये यहाँ का ही यादगार. तो ऐसा नहीं जो सामने बैठे हैं वो ही देवी देवता है, आप भी देवी देवताएँ हैं. हम लोगों ने सिर्फ मुकुट पहना है, आप लोगों ने नहीं पहना है, परंतु है तो आप भी हमारे साथ ही साथ हैं. कल हमने ज्ञान सरोवर के लिए तो अपने विचार बताए थे, बाकी आज का जो ये अनोखा दृश्य है, मैं समझती हूँ ऐसा दृश्य ये ड्रामा में संगम पर पहली बारी हुआ है, जो यहाँ पर हम सब बहनें आकर के मिली हैं. शायद कोई मिस होगी, नहीं तो जो भी हमारी बड़ी बहनें हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं. तो आप समझ सकते हैं जब इतनी शिव शक्तियाँ बैठ के शिव बाबा को याद करें तो उसका वातावरण कितना पावरफुल होगा. तो अभी तक ज्ञान सरोवर के द्वारा बहुत सेवाएं हुई, और आज जो ये विशेष दिन है, इस दिन का जो इफ़ेक्ट है उसका भी एक अनोखा ही इफ़ेक्ट रहेगा. चारों तरफ वातावरण में और भी शांति और शक्ति फैली जाएगी, और जिससे अनेक अनेक आत्माएं आकर के यहाँ पर लाभ लेगी. बाकी निर्मला बहन हमारी और ज्ञान सरोवर वालों ने कमाल तो ज़रूर किया है. अभी तक इन ब्राह्मणों ने ये कार्यक्रम नहीं किया, इन लोगों ने ये पहली बारी कार्यक्रम करके बताया, इसीलिए ये सभी बहुत बहुत ये मुबारक के पात्र हैं. आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और सर्व लोग इससे लाभ लेते रहे. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका. और अभी हमारे सामने अपनी प्रेरणाएं देने के लिए बाबा के फेमस टेंपल पशुपतिनाथ, जिसको पूरा विश्व जानता है, ऐसे पशुपतिनाथ पर सेवा पे निमित्त नेपाल से हमारी दीदी राज आई हैं. तो आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी शुभकामनाएं हमारे सामने आज विशेष ज्ञान सरोवर के सिल्वर जुबली पर देंगी. आदरणीय राज दीदी जी. इस बीच हमारे बीच में हमारी आदरणीय यीशु दादी जी भी पहुंच गए हैं. हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से यीशु दादी जी का स्वागत करते हैं. दादी जी आपका स्वागत है. दादी बड़े प्यार से सबको अपने गोद में बुला रहे हैं, तो दादी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. इस ज्ञान सरोवर शांति का सागर, जिसमें सभी होवनहार देवताएं विराजमान हैं, बहुत बहुत खुशी, अप्रमापार अति इंद्रिय सुख की अनुभूति सब कर रहे हैं. हमें तो इतना याद ज्ञान सरोवर के साथ साथ अपनी प्रकाशमणि दादी हमारे साथ है.
दादी का एक एक महावाक्य, दादी का एक एक कदम पद्मों के समान, जिसने आज हमको इतना आपस में नज़दीक मिलने का मौका दिया इस ज्ञान सरोवर में, जिसे सरोवर में बोलते थे कि कोई ऐसे जो ठीक नहीं, जिनका शरीर वो जाते हैं, नहाते हैं और परी बन के उड़ जाते हैं, कल से ऐसी अनुभव हो रहा है। यूँ तो बीच बीच में जब अपने शुरू हुआ था, अपनी चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, तब तो लगभग हम यहाँ ही रहते थे, आज भी वो दिन बहुत बहुत याद आ रहे हैं। उसके साथ साथ अपना प्यारा मधुबन, जिसने प्यारे बाबा ने ऐसा जग इसमें डाला, ऐसा मधुबन जो मधुर सुन हरे का मन करता है कि हम मधुबन में जाएं। अभी अभी बहन ने बोला था कि हम ये अभी मधुबन बनेगा, मधुबन है ही है ये हमारा ज्ञान सरोवर। सो यहाँ अपने भाई बहनों ने इतना सम्मान किया, इतना सबका रहने सहने करने का प्रबंध मिलाया, और उसमें भी सभी अपनी अपना निर्मला बहन, जिसने बहुत बहुत इसको सजाया, इसको उठाया, इसको आगे बढ़ाया, जिसमें हम शुरू से ही देखते हैं, आप शुरू से ही बॉम्बे में जब रहती थी तो हम भी वहाँ मिलने गए थे, इसलिए इनमें शुरू से ही निर्माणता है, महानता है, निर्माण महान, इसलिए ऐसी आत्माएं प्यारे बाबा को चाहिए। सो आप नमित बनी, दादियों ने नमित बनाया, सो इस फुलवाड़ी को आज देख हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है, और विशेष ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब नेपाल से भी तो बहुत लोग, अब क्या कहे, समय के अनुसार बड़े बड़े लोग आते हैं वीआईपी, और इतना याद करते हैं, क्या शांति बन, क्या मधुबन और क्या ज्ञान सरोवर, ऐसे जाकर के गुण गाते हैं, जो उनके साथी संगी मंत्री जो भी साथी हैं उनका भी यहाँ आने को मन करता है। इसलिए समय के अनुसार प्यारे बाबा को ऐसा लगता है कि अब प्रत्यक्षता का जैसे समय आया हुआ है, और बाबा की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा हो रही है, हर व्यक्ति का आंतरिक सिर झुकता है, सामने कोई झुकाए न झुकाए, लेकिन आंतरिक ये संस्था इतनी कमाल है, इतनी निस्वार्थ है, जिसको विश्व संसार सर्व के लिए आंतरिक शांति हो, सुख हो, प्रेम हो, प्यार हो, गुण गाते हैं। हम बाबा के गुण गाते हैं, प्यारे बाबा ने हमें, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा किस प्रकार जगाया, पढ़ाया, सुनाया, आज दुनिया में प्रत्यक्षता होने की लगभग हो ही रही है, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत उमंग, बहुत बहुत उत्साह। जब यहाँ ये जगह ली गई थी,
तो दादी हमको साथ दिखाने के लिए लाई थी। दादी तो रोज आती थी, कुटिया बनाई गई, उसमें योग किया था, इसलिए जब तक बनता रहा बीच बीच में आते रहे। और अभी ये संपन्नता संपूर्ण जिसकी आज सारे विश्व में संसार में सेवा हो रही है, इसलिए बहुत बहुत आप सबको जो ऐसे समय हम दूर दूर लौकिक रीति से आज बहुत बहुत नज़दीक से मिल रहे हैं, उसकी भी बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे भी बतलाया था और है भी, जब ये बनता गया, बनकर तैयार हो गया, इसको सारे रूम कमरे सब सजाने के लिए भी किस प्रकार बाबा ने, दादियों ने, मुन्नी बहन और सब साथियों ने निमित्त बनाया, एक एक रूम में क्या क्या चाहिए, ये भी तो कम नहीं है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार प्यारी दादियों ने, प्यारे बाप दादा ने, ऐसे ऐसे हमारे साथी साथ हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लौकिक भी, अलौकिक भी, परलौकिक भी। बहुत बहुत हमें नज़दीक फील होता है, आज हम साकार में हैं। हमारी दादियाँ जो एडवांस में गए हैं, भाई बहने अपने बाबा मम्मा हमें सामने नज़र आते हैं, हम बहुत नज़दीक नज़दीक हैं उनके, इसलिए ऐसे समय पर बहुत बहुत खुशी, उमंग, उत्साह। दादी का दिल इतना प्योर, पावन, शुद्ध, दादी के रियल वाइब्रेशन कैसे जाते थे, उसका हमने एक्सीडेंट हुआ था उसमें अनुभव किया हुआ है। समय नहीं, नहीं तो ऐसा ऐसा रियल हमें मालूम नहीं था हम कहाँ हैं, लेकिन हम दादी के धोती के पल्ले से ढकी रहती थी, हमें बहुत लोग देख नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं आती थी देखने की, हम बच्चे जैसा अपने हाथ पैर से खेलती रहती थी और दादी के धोती का पल्ला मेरे में ढका रहता था, मुझे मालूम नहीं है। ये बहुत बाद में जब ये ठीक होने के बाद मालूम पड़ा, तो इस प्रकार प्योर, पावन, शुद्ध जो वाइब्रेशन है वो जाते हैं। इसीलिए ऐसे समय में हम मन से सेवा सभी भाई बहने कर रहे हैं। बाबा ने इसीलिए कहा मन मना भव, मन से आज शुद्ध शुभ संकल्प कोई भी करते हैं पर सिद्ध सिद्ध हो रहा है। आज संकल्प किया, आज इतने 25 वर्ष के बाद भाई इसकी सिल्वर जुबली बनाएंगे, तो देखो सफलता। सुना रहे हैं, सभी सुना रहे हैं अपनी, तो समझा नहीं था कि ऐसा हमारा इतना लंबा, इतनी सब भाई बहने आके इकट्ठे होंगे, लेकिन बहुत बहुत अच्छा सबका संगठन हुआ। जिसको संदेश निर्मला बहन ने दिया सभी पहुंच गए, बहुत खुशी उमंग उत्साह से सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आप सबको बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज दीदी जी को। अब हम आते हैं गुजरात की ओर। गुजरात जोन इंचार्ज दीदी भारती दीदी जी से निवेदन है कि आप भी आज कुछ चंद शब्दों में अपने उद्गार बोलें। दीदियों की वाणी तो झरने के समान कलकल करती जा रही है और उसे सुनने की भी दिल सबको है, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए आप सबसे निवेदन है कि चंद शब्दों में ही अपने शुभ भावनाएं आज के इस प्रसंग में प्रदान करें। अभी निवेदन करती हूँ आदरणीय भारती दीदी जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम
मीठे मीठे बाप दादा हमारी आदरणीय दादियाँ एवं हमारे सेवा के साथी मीठी सरला दीदी को पहले पहले याद करते हुए सर्व ज्ञान सरोवर निवासियों को बहुत बहुत मुबारक देते हर्ष इसलिए हो रहा है कि गुजरात वाले सचमुच बहुत पद्मा पद्म भाग्यशाली है कि जिसको बाप दादा ने अपने घर का ही एक कमरा बना दिया है और जैसे कमरे में आते जाते मिलते रहते हैं ऐसे ज्ञान सरोवर हो चाहे मधुबन हो चाहे शांतिवन पांडव भवन सभी गुजरात निवासी बहनों की तरफ से भी मैं ये दृढ़ विश्वास दिला रही हूँ कि इतना गुजरात वाले मधुबन के बहुत समीप और जैसे हमारी दादी हम लोगों को याद करती थी कोई भी कार्य के अर्थ चाहे सेवा निमित्त कुछ भी प्रोग्राम देती थी तो मुझे भी याद है सरला दीदी तो वैसे हम लोग को कहा ही करती थी कि दादी ने कहा माना करना और मैं सभी बहनों की तरफ से पूरे गुजरात निवासियों की तरफ से ज्ञान सरोवर निवासियों को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप जैसे अभी भी हमको अपने साथ वाला कमरा मान करके और हमारे पर अधिकार रख के जो भी कार्य हम सबको देते हैं वो हम कर भी रहे हैं और आगे चल करके करते भी रहेंगे। ये भी एक बात है मैं आपको शायद मालूम हो ना हो यही ज्ञान सरोवर की भूमि ऐसी है जिन्होंने गुजरात में कम से कम 3-4 सेवा स्थान खोलने के चाहे खुलवाने के निमित्त बने हैं। तो मुझे याद है दादी हमेशा ये कहा करती थी कि गुजरात वाले पूरे विश्व भर में ये बाप का प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे और दादी ने ही जैसे हम सबको आदेश दिया था तो गुजरात में हम सब ने 1,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष बुला करके और दादी की इस इच्छा को पूर्ण किया था। तो अभी भी मुझे ये विश्वास है कि ज्ञान सरोवर निवासी चाहे मधुबन शांतिवन सब जैसे हमारे ऊपर अधिकार रख के और हमसे सेवाएं लेते रहते हैं हम सदा ही आपके अंग संग साथी है सहयोगी है मददगार तो हम सब का बाबा है पर फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ वस्तु की आवश्यकता हो कोई सेवा का सहयोग हो वो आधी रात को देने के लिए भी हम सब तैयार बैठे हैं। ये मैं सब की तरफ से विश्वास दिला रही हूँ और फिर से ज्ञान सरोवर निवासियों को सर्व मधुबन निवासियों को बहुत बहुत इस सिल्वर जुबली की मुबारक दे रही हूँ। धन्यवाद अभिनंदन ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गुजरात सदा ही मधुबन का अंग रहा है और सदा ही बाबा गुजरात को बहुत विशेष नज़र से देखता है तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुजरात से उड़ीसा की ओर जा रहे हैं और उड़ीसा में हम सब जानते हैं हमारी शिव शक्ति कमलेश दीदी रहती हैं। आपको मैं अन्नपूर्णा कहूँगी, फेमस हैं। अगर आप पेट भर के खा के भी जाएंगे तो भी आपको 2 बार और खिला ही देंगी तो इसलिए जब भी कमलेश दीदी के पास जाएं तो खाली पेट करके जाएं ताकि वो आप इतना प्यार से खिलाती हैं कि आप दिल भर के। तो इसलिए ऐसी शिव शक्ति अन्नपूर्णा
हमारी कमलेश दीदी जी से मैं कहूँगी कि अपनी शुभकामनाएं ज्ञान सरोवर की सिल्वर जुबली के निमित्त देंगी। ओम शांति। प्यारी प्यारी बाप दादा और प्यारी बड़ी दादी, सब दीदियों के दिल तख्त नशीन, बिल्कुल नज़दीक रतन अपनी आदरणीय प्यारी मुन्नी दीदी, आदरणीय प्यारी डॉक्टर निर्मला दीदी, जो बहुत प्यार से हमें निमंत्रण देकर, निमंत्रण कार्ड पत्र फोन सबके द्वारा यहाँ के भाई बहनों ने और बुलाया, मैं पहुँच पाई, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे ज्ञान सरोवर के विषय में मैं कहूँ तो बहुत अच्छी अच्छी बहुत बातें हो जाएंगी, लेकिन जब बाप दादा की प्रेरणा से और दादी के दृढ़ संकल्प से ये ज्ञान सरोवर खोला गया 95 में, और उस समय दादी ने कहा, इशारा दिया कि सभी बड़ी बहनों को एक दिन वहाँ रात को जाकर रहना है और योग करना है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने पहले पहले हाथ उठा दिया कि मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा, मैंने कहा, अरे इतने जंगल में, इतनी दूर पहाड़ों के बीच में हम कैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन रात को मैं जब सोई जिस कमरे में, तो जैसे कि बाप दादा चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे सामने खड़े हैं, ये अनुभव मेरा गुप्त है। तब से लेकर मेरा ज्ञान सरोवर में इतनी भावनाएं और इतना प्यार, बहुत उड़ीसा के भाई भी यहाँ पर हैं, और उड़ीसा के नहीं हैं वो भी भाई भी, सब भाई बहनें हमें बहुत स्नेह रिगार्ड और प्यार देती हैं, और निर्मला दीदी भी बहुत स्नेही सहयोगी और बहुत प्यार और शक्ति देती हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं। ज्ञान सरोवर इतना महान है, इतनी सेवा कर रहा है, आपको क्या बताएं। सन 1937 में बाबा ने यज्ञ का फाउंडेशन डाला, लेकिन 1973 में उल्टा कर दिए, 37 और 73 में बाबा ने उड़ीसा का फाउंडेशन डलवाया, और उस फाउंडेशन में सबसे पहले दीदी ने और दादी ने सलाह करके भेजा कि एक माता ही पहले ठीक रहेगी वहाँ जाने में, और मुझे भेजा गया। 47 वर्ष से मैं वहाँ हूँ, लेकिन विशेषता क्या देख रही हूँ कि जो भी यहाँ पर आते हैं, विशेष बिंग के भाई बहन ज्ञान सरोवर में इतने प्रभावित होकर जाते हैं, VIP IP सब वहाँ जाके ज्ञान में चलने लगते हैं और हमारे सहयोगी हो जाते हैं। करीब डॉक्टर तो 20-30 होंगे जो एक पैसा भी फीस का नहीं लेते हैं, और बोलते हैं कि हम ज्ञान सरोवर की भूमि पर जाकर हमें इतना आनंद आता है, सवेरे की क्लास करना, घूमना, भोजन, एक एक जगह की महिमा करते हैं। तो ये ज्ञान सरोवर इतनी सेवा कर रहा है और इतनी बेहद की सेवा चारों तरफ इससे हुई, तो बाप दादा की प्रेरणा और दादी दीदियों के संकल्प और इतनी शक्ति सेना का सहयोग आखिर जरूर देश विदेश सब में पहुँचेगा, और हमारी प्यारी दीदी और यहाँ के सभी भाई बहनें जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, यहाँ ज़्यादा कुमार ढेर हैं और वो ज्ञान सरोवर को संभाल रहे हैं, ज़्यादा कुमार थोड़े होंगे लेकिन कुमार ज़्यादा हैं,
और दीदी का त्याग, जो सारा अपना विदेश सेवा छोड़कर यहाँ बैठे हैं और इतना दूर पहाड़ों पर इतनी बड़ी सेवा का संचालन कर रहे हैं, और आज के दिन की बहुत ही ज़्यादा सबको मुबारक है। कल भी कुमारों ने इतना अच्छे प्रकार से हम सभी के आगे उनका सम्मान हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। तो ज्ञान सरोवर के सभी भाई बहनों को और अपनी प्यारी निर्मला दीदी को, हम मनोहर दादी के सामने कई बार यहाँ रहे हैं, दादी के कॉटेज में रहे हैं और नाश्ता खा खा कर गए, लेकिन अभी मैं रह नहीं पाती हूँ रात को, परंतु दिन में कई बार आकर सवेरे सवेरे क्लास कराती हूँ। मेरा उमंग रहता है कि मैं हाँ जाऊँ, ज्ञान सरोवर जाऊँ, जितना चांस मिले और जब मिले मैं जाऊँ। हमारे पास एक भाई गया, रामकृष्ण भाई, कहा दीदी आपका क्लास हम यहाँ सुन करके, हम कहते हैं कि आप ज्ञान सरोवर में आओ और वहाँ पर दीदी के पास रह के क्लास करो। मैंने कहा देखो बाबा कराएगा तो हम करेंगे, लेकिन मुझे ज्ञान सरोवर मधुबन, जो हमारा बचपन वहाँ बीता 1965 में, 3 मास बाबा के पास रहे, बिल्कुल छोटी क्लास थी, वो सब याद आता है। प्यारे मधुबन का कमरा, बाबा की क्लास, कुटिया, सब जहाँ बाबा बैठकर बात करते थे कुटिया में, तो बाबा ने कितनी कमाल की है और कितनी जगह क्या क्या नहीं कराया है, पल पल बाबा सबके साथ है। मैं तो यही कहूँगी, मैं हर पल हर वक्त हर समय बाबा को साथ रख के उसका अनुभव करती हूँ अच्छे अच्छे कि बाबा आज क्या कहते हैं। आ रही थी प्लेन में, इतना अच्छा अनुभव कराया कि तुम क्या कहती हो मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो चलो तुम्हें और कहाँ कहाँ ले जाऊँगा। और सचमुच मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं वहाँ से एकदम ठीक हो गई, 1 मास से जो खाना कम खा रही थी खाने लगी, सब ठीक हो गई और ज्ञान सरोवर तक आई बिल्कुल ठीक। ये बाबा की कमाल है कि बाबा हमें बच्चों को क्या क्या करा रहा है। और हमारी इतनी साथी बहनें आई हैं यहाँ, और आप सब भी, जैसे हमारी संतोष दीदी ने कहा कि जिसने दुपट्टा पहन लिया और ताल लगा लिया वो ही देवियाँ नहीं हैं, आप ही सब देवी हैं, पर जो श्रीमत मिलती है उसी के हिसाब से एक एक मुरली के शब्दों को, जो लाखों के बराबर है, उसके हिसाब से हम चलें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी, और हम उड़ीसा की तरफ से, सब की तरफ से, अपनी तरफ से, दादी दीदियों की तरफ को और बाप दादा को, दीदी निर्मला दीदी को, मुन्नी दीदी को जो इतना सुंदर सजावट करती, उनकी तो बुद्धि क्या कहें, कंप्यूटर है और विशाल बुद्धि और विशाल दिमाग, जिससे इतना बड़ा बड़ा कार्य और सबसे करा लेते हैं प्यार से, हम देख देख के कुछ कुछ सीखते जाते हैं। तो सभी की तरफ से, उड़ीसा के सब सेंटरों की तरफ से, हमारी तरफ से, आप सभी को, ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों को और यहाँ रहने वाली दीदी को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश दीदी जी का, कितना सुंदर आपने उमंग भरा, बहुत अच्छा। अभी हम जाते हैं हैदराबाद की तरफ, शांति सरोवर की डायरेक्टर और हैदराबाद की इंचार्ज दीदी कुलदीप दीदी, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आज इस कार्यक्रम में अपनी शुभ भावनाएं 2 मिनट में दें। सभी दीदियों से आगे के लिए निवेदन है कि अपने शुभ भावनाएं बहुत शॉर्ट में और बहुत पावरफुल बना करके दें, जिससे समय ठीक से एडजस्ट हो सके, बहुत कम समय है। शक्ति दे जी। हाँ, ओम शांति। आदरणीय निर्मला दीदी, मुन्नी दीदी, सभी ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनें और मंच पर सभी दीदियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ज्ञान सरोवर में वैसे तो हम
कम रहते आजकल नीचे ही जाते हैं, परंतु जब हमारी दादी जी ना इसका निर्माण कर रहे थे तो एक बार दादी ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, तूने देखा है, क्योंकि मैं बहुत डरती थी, मुझे बहुत दर्द था पैरों में और दादी को मैं नहीं बोल सकती थी, पूरा आर्ट गैलरी दादी ने मुझे दिखाई, पूरा ज्ञान सरोवर क्या क्या बनने वाला है। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जानता है कि कैसे मैं सभी को साथ लेकर इसका निर्माण अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कराएं। और इधर बहुत से वीवीआईपीस की भी सेवाएं हुई और हम यही कहेंगे ज्ञान सरोवर का बच्चा है शांति सरोवर, जो चंद्रबाबू नायडू को भी यहाँ आने के बाद प्रेरणा मिली कि नॉर्थ में ORC है, ये सारे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है, लेकिन हमारे साउथ में भी ऐसा रिट्रीट सेंटर बने। और यहाँ से जाते ही उन्होंने तुरंत 2000 में हमको मई मंथ में स्थान दिया और 2004 में ज्ञान शांति सरोवर तैयार हुआ। हमें बहुत खुशी है कि ज्ञान सरोवर का लाडला बच्चा शांति सरोवर भी बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ हो रही हैं, देश विदेश के भाई बहने आकर लाभ लेते हैं। ज्ञान सरोवर के सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक निमंत्रण है कि आपकी सिल्वर जुबली हम शांति सरोवर में भी मनाएं, आप सभी का वहाँ पर सम्मान करें। दीदी सहित सबको निमंत्रण है, मुन्नी दीदी को भी हमारा हार्दिक निमंत्रण है, आप सभी को लेकर आए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दीदियों को भी निमंत्रण है जो भी मंच पर है, इसी तरह हम ऐसा ही स्टेज सजाएंगे और आप सबका सम्मान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कुलदीप दीदी ने बहुत बड़ा दिल करके सबको बुलाया है, तो दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा दिल आपका। और अब हम हैदराबाद से चल रहे हैं दिल्ली राजधानी में, और गुलजार दादी याद आती, और पांडा भवन करोल बाग से हमारी पुष्पा दीदी, जो बहुत स्नेह और प्यार की मूर्त हैं, स्नेही हैं, स्नेह और मीठी वाणी हैं, ऐसी शिव शक्ति पुष्पा दीदी जी से मैं कहूँगी कि अपनी प्रेरणाएं विशेष दें। ओम शांति। हमारी अति स्नेही आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, मुन्नी दीदी जी, संतोष दीदी जी, ईशु दादी जी, सभी वरिष्ठ दीदियाँ, सभी बहनें, आप सभी विशेष आमंत्रित मेहमान और सबसे स्पेशल हमारे ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनें, आज का दृश्य कितना सुंदर और कितना निराला है। और ऐसे ही ज्ञान सरोवर की सेवाएं भी सबसे सुंदर और सबसे निराली हैं। वर्णन करें तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया कि जैसे क्वालिटी की सेवा हो, क्योंकि क्वालिटी के पीछे क्वांटिटी अपने आप आती है, तो ज्ञान सरोवर विशेष देश और विदेश की क्वालिटी की सेवा के निमित्त है, और विशेष विशेष स्पेशल क्वालिटी के। और हम अनुभव करते हैं कि जो एक बार यहाँ से होकर जाता है वो सेवा के भी निमित्त बन जाता है, इसलिए ज्ञान सरोवर सेवा की खान है। और यहाँ तक कि जब हम VIP से मिलते हैं तो चाहे वो काफ़ी पहले भी होकर गए हैं, उन्हें यहाँ का अनुभव भूलता नहीं, तो ज्ञान सरोवर एक अमिट छाप डाल देता है। और अनेक VIPs तो केंद्र खोलने के भी निमित्त बने, लैंड देने के भी निमित्त बने, और डॉक्टर्स इंजीनियर एडवोकेट्स अपने प्रोफेशन से भी काफ़ी सेवा केंद्रों के सहयोगी बन जाते हैं, इसलिए ज्ञान सरोवर बहुत बहुत बधाई का पात्र है, बधाई का पात्र है। यहाँ के निवासियों की बात करूँ, आप इन 3 दिनों में अनुभव कर रहे होंगे परसों से कि सभी एक साथ जुट मिलकर कार्य कर रहे हैं, और हर एक के चेहरे पर बहुत खुशी है और रूहानी चमक है, जो कि
नहीं तो कार्यक्रमों में कितनी हलचल, बहुत कुछ ऐसा हो वैसा हो या स्टेज के पीछे से, पर सब तरफ एक रूहानी प्यार और एक अच्छी मैनेजमेंट और एक अच्छी आपसी कनेक्शन की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। तो ज्ञान सरोवर अपनी सुंदरता को लिए हुए, चाहे वो प्रकृति की है, चाहे यहाँ के राजहंसों की है, उनकी रूहानियत की है, उनके व्यवहार की है, और चाहे स्वच्छता की सुंदरता है, उन सब का ज्ञान सरोवर बहुत बहुत बधाई का पात्र है, पात्र है, पात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से कोटि कोटि बधाइयाँ देती हूँ आदरणीय दीदी को भी, और ज्ञान सरोवर के निवासियों को भी, और विशेष जो इस कार्य के निमित्त बन दीदी के राइट हैंड हो, दिन रात एक करके लगे हुए, उन सबको भी ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी जी को, आपने बहुत सुंदर शब्दों में सबको अप्रिशिएट किया। नो डाउट जब भी देखो किसी भी ज्ञान सरोवर निवासी को देखो तो उसके तो पांव जमीन पे नहीं लग रहे हैं, सब उमंग उत्साह से नाच रहे हैं। दिल्ली में ही हैं तो अगली कड़ी हमारी दिल्ली में ही, हमारी शिव शक्ति शुक्ला दीदी जी, आप ब्रह्मा कुमारीज हरिनगर सेंटर के इंचार्ज हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप शॉर्ट में कम समय में ही अपने मंचासीन आदरणीय शिव शक्तियाँ और सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्ञान सरोवर की महिमा क्या गाए क्या ना गाए, इसकी महिमा तो अपरम अपार है, क्योंकि चारों ओर खुशहाली और हरियाली है, पवित्रता का वातावरण है और प्राकृतिक सौंदर्य और रूहानी सौंदर्य का तालमेल है। तो ऐसे ज्ञान सरोवर में जो भी आत्माएं आती हैं, किसी भी विंग की विशेष आत्माएं आती हैं, तो बहुत सुखद अनुभव करके जाती है। कहते हैं कि जहां ज्ञान का प्रकाश हो, योग का प्रसार हो, कर्म का इतिहास हो, तो जीवन अपने आप निखरता चला जाएगा। तो यहां तीनों का समन्वय है, तो तीनों का समन्वय होने के कारण जो भी आता है उसका जीवन निखरता जाता है या बहुत सशक्त जीवन जीने की प्रेरणा यहाँ से लेकर के जाता है। मैंने देखा हम कई बार सिक्योरिटी विंग के कारण या एजुकेशन विंग के कारण आते हैं, तो अपनी निर्मला दीदी से जब मिलते हैं तो निर्मला दीदी तो सचमुच एक ऐसा स्वच्छ दर्पण है जो अंदर और बाहर एक है, जिसको बाबा ने भी निर्मला आश्रम नाम दिया, अर्थात जिसमें चारों ओर निर्मलता ही निर्मलता है और नमित भाव और निर्माण भावना है। तो क्यों नहीं ऐसी प्रेरणा हम यहाँ से लेकर के जाएं, हमारा जीवन में ऐसा बन जाए। मुझे एक कुछ पलों की याद आती है, जब साकार बाबा थे तो विज्ञान भवन में एक योग शिविर हुआ था, वहाँ विदेशियों को भी निमंत्रण दिया गया था और हम ब्रह्मा कुमारी को भी निमंत्रण दिया गया था, जिसमें निर्मला दीदी भी उस समय आए हुए थे, हमारा एक झुंड करा था और विदेशियों और जगदीश भाई भी उस समय थे। तो विदेशियों से जब आपस में बातचीत हो रही थी तो कुछ विदेशियों का ध्यान निर्मला दीदी के नेत्रों की तरफ चला गया और उनके नेत्रों को देख करके वो इतने प्रभावित हुए और बोलने लगे कि ऐसा नेत्र मैंने कभी नहीं देखा है। तो जब मैं उन पलों को याद करती हूँ और प्राण बाप दादा के शब्दों को भी याद करती हूँ कि बच्चे आपके नेत्र ऐसे होने चाहिए जो दृष्टि से निहाल करने वाले, तो दृष्टि रूहानी नूर होना चाहिए उसके अंदर। तो हम सब का ये पूर्ण कर्तव्य भी बनता है और जीवन की धारणा भी बनती है। तो मैं यहाँ के भाई बहनों को भी देखती हूँ, सब मिलजुल करके बहुत अच्छी प्रकार से सब विंग्स को संभालते हैं और सब खुशी खुशी उमंग साथ से सब सेवाएं करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से दिल्ली दरबार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना देती हूँ कि आप सब और आगे बढ़ो और अपने
नजर से निहाल करने की शक्ति अपने अंदर लाइए। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला दीदी दिल्ली दरबार से अपनी शुभकामनाएं देने का। और दिल्ली से चलते हैं अब बिहार की ओर, हमारी रानी दीदी मुजफ्फरपुर, उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी शॉर्ट में शुभकामनाएं देंगी। ज्ञान ज्ञान सरोवर की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हमारी निर्मला दीदी, मुन्नी बहन, ईशु दादी और सभी मंच पर उपस्थित सभी दादियों बहनों और सभी भाई बहनों, ज्ञान सरोवर में जब से बना है जो भी भाई बहन यहाँ आए हैं बहुत बहुत रिफ़्रेश होकर जाते हैं, अपनी झोली भर कर जाते हैं, बहुत प्रभावित होकर के जाते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ रहने के बाद वो बाबा के हो ही जाते हैं। और कई सेवाधारी जो यहाँ आते हैं और वो फिर यहाँ सदा ही रह जाना चाहते हैं और दिलो जान से सेवा करते हैं। तो ये हमने देखा इस धरती का बड़ा प्रभाव जिस पे हमारी दादी, बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, हमारी मनमोहिनी दीदी सबकी बहुत बड़ी छत्र छाया रही है और बहुत मीठी पालना आज भी मिल रही है सभी को। तो इस सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हम सभी को बारंबार बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रानी दीदी जी को। अब एक अनाउंसमेंट बीच में है, जोन सब जोन मेन सेंटर इंचार्ज बहनों के लिए दादी रतन मोहिनी जी के ऑफिस से सूचना है कि 2020 सेवा स्थानों का सर्टिफिकेट का रिन्यूअल फॉर्म आज से पैड पोर्टल में मिल रहा है, कृपया डाउनलोड करें। 2020 को जो सर्टिफिकेट रिन्यू होगा उसका पोर्टल में डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने सर्टिफिकेट। और अभी हम चलते हैं जयपुर सुषमा दीदी जी की ओर। दीदी जी आपसे निवेदन है कि अपने शुभ भावनाएं चंद शब्दों में हमारे समक्ष रखें। सुषमा दीदी जयपुर। ओम शांति। मैंने तो लिस्ट में देखा था, मेरा नाम तो नहीं था अचानक, लेकिन मैं जब सबके अनुभव सुन रही थी तो मेरे मन में आ तो रहा था कि इस ज्ञान सरोवर के कण कण से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे मुँह से तो ज्ञान सरोवर बहुत बाद में निकला, सालगांव ही कहते थे क्योंकि सबको मालूम है वो कहानी, मैं नहीं सुनाती। कितना हम लोग कभी गवर्नर के पास, कभी JDA में भागते रहे, मधुबन से भी अशोक गाबा भाई आते रहे, तो इसकी कहानी तो वंडरफुल है। लेकिन जितनी मेहनत शुरू में इस ज्ञान सरोवर बनाने में लेने में की गई है उससे कई गुना अधिक इसका फल हमारे सामने आ रहा है। ये वो धरनी है जो सबको शक्ति देती है, खुशी देती है, वरदानों से झोली भरती है। इस धरा पर रहने वाले सब ज्ञान सरोवर वासी, हमारे भाई बहने, हमारी आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, निर्मल आश्रम, आप सबको आज के दिन की बहुत 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 बधाई, बधाई, अभिनंदन। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी जी। मैं समझती हूँ कि अगर पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में अगर पूछेंगे कि आप कहाँ से पैदा हुए तो बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कहेंगे ज्ञान सरोवर से पैदा हुए। तो ज्ञान सरोवर ने बहुत बच्चे पूरे विश्व में बाबा के बच्चे पैदा करे हैं। आज भी अगर वो लिस्ट निकाली जाए कि 25 वर्षों में जो हमारे सेंटर्स पर ब्राह्मण आते हैं उनको बाबा का परिचय या कहाँ से मिला, तो वो कई बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस में ज्ञान सरोवर गए थे और वहाँ से हमको ये ज्ञान मिला। तो ज्ञान सरोवर ने 25 वर्षों में अथाह सेवा करी है
और अब हम चल रहे हैं फिर से गुजरात में महादेव नगर में और हमारे यूथ विंग की चंद्रिका दीदी जी आपसे निवेदन करेंगे कि अपनी शुभकामनाएं हमारे सामने रखें। ओम शांति। ज्ञान सरोवर में जब युवा भाई बहनें आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं यहाँ के प्राकृतिक वायुमंडल से। अध्यात्म के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं, लेकिन वो हॉल छोड़ कर के आसपास के दृश्यों को अनुभव करने में चले जाते हैं। तो हमारे युवा भाई बहनों का ये बहुत प्रिय पात्र हैं। अभी हमारी बहन जी बोल रही थी कि ज्ञान सरोवर से बहुत लोगों ने जन्म लिया है। हम जानना चाहेंगे इस सभा में जिन्होंने ज्ञान सरोवर से जन्म लिया है वो जरा हाथ उठाएंगे, पैदा हुए हैं यहाँ से जरा खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये सब पुराने हैं। हमारे अति स्नेही और परम प्रिय निर्मला दीदी जी ने हम सभी को इतना मेहनत करके, और हम दो दिन से देख रहे हैं कि कितना ज्ञान सरोवर के भाई बहनों ने उमंग उत्साह से तैयारी की है, और इन सबका पीठ बल कौन है वो तो हम जानते हैं, हमारी मुन्नी बहन जी जो हर कार्य अंगुली के इशारे से करवाते हैं। तो इन सभी की प्रेरणाओं से हम सभी को आगे बढ़ने का उमंग उत्साह मिलता है। हमारे बीच गुप्त रूप से प्यारे बाबा और हमारे सारे पूर्वजों को देख रहे हैं, उन सर्व की अमित दृष्टि से ये ज्ञान सरोवर इतना सुंदर बना है और हम सभी को इतना अमूल्य लाभ दिया है। तो सभी ज्ञान सरोवर निवासियों को एक बार बहुत दिल से धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका दीदी जी। अब हम सुनने जा रहे हैं हम सबकी बहुत प्यारी आदरणीय मीठी मुन्नी दीदी जी को। हम सभी जानते हैं कि बाबा के मधुबन और उसके जितने भी कमरे हैं, ज्ञान सरोवर हुआ, शांतिवन है या हॉस्पिटल है या नीचे संगम भवन है, म्यूज़ियम है, सभी चीज़ों का बहुत प्यार से जो संचालन पालना सभी प्रकार से करते रही हैं हमारी मुन्नी दीदी। बहुत भाग्यवान ये आत्मा है जो अपने आप को बार बार अपने भाग्य को भी सहारती रहती हैं कि उन्हें दादी जी के साथ का सबसे बड़ा सुख मिला और उनको ट्रेनिंग भी मिली। आज जो भी हैं वो दादी के बदौलत मानती हैं। तो ऐसी मीठी मुन्नी दीदी जिन्होंने खाली बाबा के घरों को ही नहीं लेकिन पर्सनली हर ब्राह्मण को पूछ के तुम्हें क्या चाहिए, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं ले रहे हो, ये भी लो, ये भी लो, इस प्रकार से हर एक की पालना करती रही हैं। तो हम सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मुन्नी दीदी का स्वागत भी करते हैं और उनके उद्गार सुनते हैं ज्ञान सरोवर के लिए। बहुत प्यार से सजाती संवारती रही हैं, आगे भी संवारती रहेंगी, उनका ही डायरेक्शन, उनका ही निर्देशना यहाँ पे भी ज्ञान सरोवर को भी चमकाता रहा है। तो मुन्नी दीदी जी से हम सुनेंगे। मुन्नी दीदी जी। ओम शांति। वैसे तो मैंने कल भी सुनाया है, तो ज्ञान सरोवर जब बना था तो दादी जी के मन में संकल्प आया, अब इतने बड़े ज्ञान सरोवर को कौन संभालेगा, तो फिर दादी जी ने चंद्रमणि दादी जी को निमित्त रखा उस समय में, और फिर भाई बहनों के लिए मधुबन से ही जो एक एक डिपार्टमेंट में दो दो भाई थे उनको निकाल के यहाँ के डिपार्टमेंट में रखा गया, और कुछ नए लोग भी बहनों को कहा तो कुछ नए लोग भी आए। तो मुझे याद है दीदी जी के कमरे में बैठ के मैं दादी सभी का इंटरव्यू लेते थे, तो उनका नाम, उनके घर का पता, वो घर में कौन कौन है, जैसे इंटरव्यू लिया जाता है वैसे लेते थे और एक एक को हम फिक्स करते थे, और फिर सभी को यज्ञ की जो मर्यादाएं बनी हुई है और किस प्रकार से चलना है,
अथक सेवा करनी है, कैसे सबकी मेहमान निवाजी करनी है और कैसे सबको संतुष्ट करके भेजना है, खुश करना है, ये उनको सबको शुरू में हम दादी जी और मैं और मोहिनी दीदी भी हम ट्रेनिंग देते थे, वो इनके अंदर भरती जाती थी। और हम देखते हैं 25 साल के अंदर, 25 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है, लेकिन जो हमारे भाई बहनें तो कम हैं, 25 साल से समर्पित होके ज्ञान सरोवर में सेवा दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, त्याग मूरत तपस्वी मूरत अथक सेवाधारी है, उनके ये कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई जॉब पे नहीं है, लेकिन अंदर की उनकी त्याग की जो भावना है, वो त्याग की भावना अनेक लोगों को प्रभावित करती है। जब वो मुस्कुरा के किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जब खाना खिलाते हैं पूछते हैं आपको क्या चाहिए, रहने के स्थान में भी पूछते हैं तो आपको किस प्रकार का ओढ़ने का चाहिए, बिछाने का चाहिए, तो हर प्रकार से जिसको जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है अपना डिपार्टमेंट बहुत बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं और अच्छी तरह से संभालते हैं और बेहद बाबा की बेहद सेवा करते हैं सभी। तो इनका किन शब्दों में हम शुक्रिया करें और धन्यवाद करें। ट्रेनिंग तो दादी जी की ही है, दादी जी हमेशा कहते हैं, तो बाबा के घर में मेहमान आते हैं, मेहमान नहीं भगवान है, लेकिन उनकी हमेशा बहुत अच्छी तरह से पालना करनी है, ध्यान रखना है हर प्रकार से, तो इनके अंदर वो भरा हुआ है। तो आज उनकी सिल्वर जुबली है, तो उसकी बहुत बहुत सबको बधाई है। और मेरे को तो दादी जी ने ये अच्छी तरह से सिखा दिया है, तो हम सब एक हैं, मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, यहाँ तक कि हॉस्पिटल को भी हम शामिल करते हैं, हॉस्पिटल हम सब एक है। मैं कुछ भी बांटूंगी, कुछ भी दूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन बाबा और दादी सदा याद रहते हैं और उनके डायरेक्शन प्रमाण सबकी एक जैसी पालना होती है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ नीचे बट गई तो ऊपर नहीं, ऊपर बटी तो नीचे नहीं, लेकिन सभी जगह सबको एक जैसा सब कुछ मिलता है। और यहाँ तक कि इतने समर्पित हैं, 1500 समर्पित हैं और 300 ट्रायल पर है, वो इतने डिपार्टमेंट हैं हर जगह के, ऊपर के, नीचे के, ज्ञान सरोवर के, शांतिवन के, पांडव भवन के, तो सभी के लिए दादी जी ने ऐसा नियम बनाया हुआ है। तो ये सब समर्पित है, इनको जो भी कुछ चाहिए, चाहे पर्सनल चाहिए, चाहे डिपार्टमेंट में चाहिए, चाहे एक भवन में चाहिए, कहीं भी चाहिए, वो यज्ञ से ही उनको मिलना चाहिए। तो दादी जी ने नियम बनाया है, जिसको जो चाहिए वो एक पर्ची लिख कर के हमारे रूम में पहुंचाते हैं और उनको वो सामान उनके स्थान पर मिल जाता है। डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में मिलता है, पर्सनल है तो उनके रूम में मिलता है। तो सभी को दादी जी ने बहुत अच्छी पालना दी है और वही पालना का संस्कार मेरे अंदर भरा है, तो मेरे अंदर भी यही रहता है, ये बाबा के प्यारे अथक त्याग मूरत तपस्वी मूरत बच्चे हैं, इनकी हर प्रकार से पालना बहुत बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। और उस चीज़ का मैं सदा ध्यान रखती हूँ और एक होकर के सबका ध्यान रखती हूँ। कोई मैं हमेशा पूछती रहती हूँ, क्योंकि दादी जी को कभी भी कोई भी चीज़ पुरानी अच्छी नहीं लगती थी, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, लेकिन फटा पुराना या कोई चद्दर फेड़ हो गई
इस तरह का नहीं अच्छा लगता था। तो मैं इन लोगों को हर साल एक कागज़ देती हूँ या कहती हूँ, आपको जो भी चाहिए इसके अंदर आप लिखो, डिपार्टमेंट के लिए, भवनों के लिए। और पर्सनल के लिए हम दादी जी ने एक नियम बना दिया था, हर एक को 6 ड्रेस कपड़ा हमें साल में देना है। बिना बोले उनको अप्रैल मास में 6 ड्रेस कपड़ा मिलता है, फिर उनको अगर उसमें से कुछ लौटाना है तो वहीं लौटा देवे, सब ले जाना है तो सब ले जावे। और उसी समय उनको एक कागज़ मिलता है जिसके अंदर वो लिखते हैं उनको कोई भी छोटी चीज़ चाहिए, चाहे घड़ी चाहिए, चाहे थर्मस चाहिए, चाहे टिफ़िन चाहिए, कुछ भी अपने ज़रूरत की चीज़ चाहिए, गर्म कपड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उनको लिखने को दिया जाता है और वो लिखते हैं और वो उनको हर चीज़ पहुंचाई जाती है उनके स्थान पर। तो बाबा के बच्चों की इस प्रकार से राजकुमार की तरह पालना, खिलाना पिलाना, पालना करना, ये सब हमारी दादी जी ने किया और हमारी दादी जी ने हमें सिखाया और उसी प्रकार से आज हम कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगी ये इसी प्रकार से सबकी दिल से सेवा करते रहे और सदा खुश रहे, संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाबा की याद में सदा अपनी स्थिति एक रस रखे और आगे आगे बढ़ते रहे। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति सदा करते रहे। उसके साथ में मैं एक बात आज जरूर कहूँगी, आज स्टेज पर कम से कम 108 देवियाँ बैठी है ऐसा मैं सोचती हूँ। हमारी जो बड़ी दीदियाँ हैं, शिव शक्तियाँ हैं, उनके लिए खूब ज़ोर से ताली बजाओ। और हमारी निर्मला दीदी जो इतनी अच्छी तरह से पूरा ज्ञान सरोवर संभाल रही है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी, इनके लिए भी ताली बजाओ। तो दीदी कितना सबको पालना दे रही है। तो आज मैं कहूँगी हमारी दीदियाँ की आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं कहूँगी ये सदा स्वस्थ रहे और सदा इन बाबा इनको लंबी 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 आयु देवे और खूब बाबा की सेवा करती रहे ऐसे ही, और ऐसे सेवाओं को आगे बढ़ाती रहे। और यज्ञ में भी जब विशेष सेवा हो तो सदा आती है और सदा बुलावे पर आती रहे, ये भी सदा उनका अटेंशन रहे। ओम शांति। ऐसा सुंदर एकता का पाठ पढ़ाने वाली, राजकुमार राजकुमारियों जैसी पालना देने वाली मुनि दीदी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और कितनी सुंदर ब्लेसिंग्स हमको मुनि दीदी से मिली। और अभी हमारे साथ मीरा दीदी बैठी हैं मुंबई से, और उनके अंदर ज्ञान सरोवर के प्रति एक शायरी आ रही है, तो कह रही है मुझे ज्ञान सरोवर के लिए एक शायरी सुनानी है, तो सुनाएंगी। ओम शांति। शांतिदूत डॉक्टर निर्मला दीदी जी और ज्ञान सरोवर की फुलवारी, आप सभी की निस्वार्थ सेवाओं के प्रति, रात का चंद्रमा सलाम भरे आपको, परियों की आवाज आबाद करे आपको, खुशबू दे आपको सुगंधित पुष्पा, मुबारक है आपको, मुबारक है इस प्रकार से महफिल यूं ही सजती रहे और हम सभी आपको मुबारक देने के लिए इस महफिल में आते ही रहे, मुबारक है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी जी को। अब हम सभी सुनेंगे हमारी श्रद्धेया निर्मला दीदी जी से। आप सभी जानते हैं ये सुंदर धरोहर ज्ञान सरोवर जिसे दादी जी ने बहुत प्यार से बनाया, बाबा ने यहाँ के डायरेक्टर के रूप में निमित्त बनाया शेरे पंजाब चंद्रमणि दादी जी को, और फिर आए हम सबकी आदरणीय मनोहर कहानियाँ सुनाने वाले मनोहर दादी जी, और उसके बाद बाबा ने निमित्त बनाया है हमारी निर्मला दीदी जी को, जो किसी भी गुण में किसी से भी कम नहीं है,
मुझे बड़ा सौभाग्य मिला उनके ऑस्ट्रेलिया सेवा को देखने का। मुझे आश्चर्य लगा कि कितने कम समय में विदेश में आपने इतनी सुंदर सेवाएं की है। अगर मैं वर्णना करूं, समय नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की हर एक सेवा बहुत यूनिक है। लेकिन बाबा के एक इशारे पर बिना कुछ और सोचे कोई दूसरा ऑप्शन लिए दादी जी दीदी हमारी भाग करके आईं और बहुत प्यार से बाबा के इस ज्ञान सरोवर फुलवाड़ी को बहुत सुंदर रीति से पालना दिया। ज्ञान सरोवर निवासी हर एक भाई बहन उनसे बहुत खुश हैं और बहुत सुंदर पालना का ही ये प्रतीक है कि आज इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे सामने हुआ है। दीदी अथक बन करके सेवा कर रही हैं। कल भी मैंने देखा रात को बहुत देर तक सभी सेवाओं में लगे हुए थे। तो हम सभी एक बार बहुत ज़ोरदार करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी से कि आप अपने दिल के उद्गार सुनाएं। आपको कैसा लग रहा है सभी भाई बहनों को यहाँ पे एकत्रित देख करके और आपके इस आयोजन में सबको खुश होते देख के। निर्मला दीदी जी। ओम शांति। आज हमें हमारे जो भी आदि दादियाँ मामा बाबा जिन्होंने हमारे शुरू से साकार रूप में पालना की है उसकी बहुत याद आ रही है। तो पहले दिन से मम्मा से मिलने का भाग्य हुआ, बाबा से भी मिलने का और पालना का भाग्य मिला। शुरू में दादी निर्मल शांता, पुष्प शांता, ब्रिज शांता दादी जो मुंबई में थे, शील दादी, रतन मोहिनी दादी, उन सभी ने हमारी पालना की। बाकी जो भी अन्य पुरानी दादियां हैं सभी की पालना मिली। चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी हमारी भट्टियां कराते थे। जानकी दादी ने 74 से पालना की। तो इन सब की पालना का भाग्य मिला और देश विदेश की बहनों का सहयोग मिला, तो हम सबके आभारी हैं। पर आज विशेष ये खुशी है कि भारत की हमारी साथी सहयोगी बहनें एक थोड़े से निमंत्रण से सब यहाँ पहुँच गई है, तो उनका आज बहुत बहुत हार्दिक सम्मान है। हम सभी बाबा के राइट हैंड्स हैं। सभी का लक्ष्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना है, विश्व का कल्याण करना है और इस कार्य के लिए देश विदेश की सभी बहनें इस 3 दिन में अपना हाजिरी देकर, अपना सहयोग की अंगुली देकर देने के लिए पहुंच गई। विदेश की बहनें भी नीचे का NCCC प्रोग्राम छोड़ के भी आधे दिन के लिए यहाँ पहुंच गई, तो उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और ज्ञान सरोवर के भाई बहनें तो सेवा में सहयोगी हैं, उन्होंने बहुत उमंग उत्साह से ये प्रोग्राम बनाया। उसमें भी सबसे ज़्यादा उमंग सुमन बहन, आनंद भाई, सुभाष भाई आदि को सबसे ज़्यादा उमंग था। और प्लानिंग करने में, गिफ्ट कलेक्ट करने में, सॉन्ग्स बनाने में गोविंद भाई वगैरह ने भी बहुत बहुत सहयोग दिया। स्टेज को सजाने में भी बितिन भाई और कई साथी सहयोगी ने सहयोग दिया।
इलेक्ट्रिसिटी सजाने में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लगा रहा हूँ, तो हर एक डिपार्टमेंट को बहुत उमंग उल्लास था। हर एक ने अपनी रीति से ये प्रोग्राम को सफल बनाने में अंगुली दी है। तो मैं आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने तो बहुत थोड़ा कुछ किया, सिर्फ सहमति दी है। बाकी आप सभी ने जो भी सहयोग दिया है सबका धन्यवाद। ओम शांति। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार से सबको रखा और इतना सुंदर प्रोग्राम और इतना सुंदर डाइनिंग में खाना खिलाया तो सबके लिए, और अभी भी इतने सुंदर सच के बैठे हुए हैं, इतना पालना दी ज्ञान सरोवर ने सभी को। तो दीदी का और सभी ज्ञान सरोवर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारी दादी ईशु दादी, है ना, हमें नाज है कि हमारे साथ दादी है और ईशु दादी है। तो दादी से हम कहेंगे कि अपनी ब्लेसिंग्स वरदान हमको देंगी इस शुभ अवसर पर। ओम शांति। बाप दादा और सर्व दादियों के ओर से ज्ञान सरोवर को सिल्वर जुबली पर विशेष ज्ञान सरोवर निवासियों और देश विदेश के आए हुए भाई बहनों को बधाई हो, बधाई हो। ज्ञान सरोवर अर्थात जैसा नाम है वैसा ही काम 25 सालों से इस ज्ञान सरोवर में देश विदेश की आत्माओं ने ज्ञान की डुबकी लगाकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया है। उससे दुख कर मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह ज्ञान सरोवर इस धरा पर चैतन्य महान तीर्थ के रूप में प्रत्यक्ष होगी, यही मेरी शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय दादी जी को, बहुत प्यार है दादी को सभी से। और दादी जी अभी भी सेवा में रत हैं, रिसेंटली दुबई जा कर के आए हैं सेवा के करके, देश विदेश अभी भी जा कर के बाबा के बच्चों की पालना कर रहे हैं। और स्पेशली हमारी सुमन दीदी का एक कहना है कि जो भी सब दीदियां हैं उनको बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ही भाई बहनों को दिया है जिनके कारण आज ज्ञान सरोवर की सेवाएँ चल रही है। तो जिन भी दीदियों ने ज्ञान सरोवर के लिए अपने भाई बहन दिए हैं उन्हें विशेष धन्यवाद। और उनका कहना है कि एक बार अगर आप खड़े हों, जिनके भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं ज्ञान सरोवर निवासी हैं, तो उनके लिए हाथ उठाइए एक बार। तो सभी बहुत ज़ोर से करतल ध्वनि के साथ इन दीदियों का दिल से धन्यवाद करें जिन्होंने अपने सेवाधारी रत्नों को ज्ञान सरोवर सेवार्थ दिया है, और उन सेवा रत्नों के द्वारा ज्ञान सरोवर की सभी सेवाएँ चल रही हैं। तो दिल से आप सभी का बहुत बहुत ज्ञान सरोवर तरफ से, सुमन बहन की, सुमन बहन और दीदी जी की तरफ से, सुमन बहन और आनंद भाई और सभी आप लोग भी दो शब्द आपका बहुत बहुत सामने आओ। सुभाष भाई आइए, एक कैंडल लाइटिंग के बाद के भी कुछ अनाउंसमेंट है वो सुमन बहन करेंगी, तो आपका भी बहुत बहुत हम चाहते हैं आप सामने आइए। सुमन बहन एक मिनट आओ, आ गया, आओ। ओम शांति। मुझे आज सबसे पहले बाप दादा के साथ हमारी दादी प्रकाशमणि की याद आ रही है, क्योंकि दादी ने बहुत ही प्यार से ज्ञान सरोवर बनाया हुआ था और हम ज्ञान सरोवर में पहले समर्पित थे भाई, जो दादी ने खुद अपने
सामने बैठ के सिलेक्ट किए होते किस किस को रखना है, तो आज दादी को भी हम बहुत याद दे रहे हैं, और जो भी दीदियाँ हमारी आई हैं खास इस प्रोग्राम के लिए उनका भी धन्यवाद। क्योंकि मैं किसी भाई को बोल रहा था कि हर मंदिर में एक एक देवी होती, मैंने कहा आज इकट्ठी देवी है यहीं मिल गई, जिसको जो वरदान लेना हो वो ले लो। और बीच बीच में हम कुछ दे भी रहे थे क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा था इसलिए तो आप सभी बड़ी दीदियों का जी हाँ जी, तो इसीलिए सभी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा संकल्प है कि हर साल एक प्रोग्राम हम करेंगे 2 दिन का। ये तो प्रोग्राम था सिल्वर जुबली का, लेकिन आगे भट्टी का 2 दिन का। सभी बहनें आए और यहाँ रिलैक्स होके और भट्टी करके जावे। ओम शांति। ओम शांति। मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण हम यहाँ है। जब मैं इस मधुबन में था तो आंगन में बड़ी दादी जी बैठे थे और मैं और सूरज भाई आंगन से गुजर रहे थे, तो दादी जी ने बोला सूर्य इधर आओ इधर आओ, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना रहे इसको कैसे संभालेंगे, कौन संभालेगा, इतने लोग चाहिए। तो मुझे थोड़ा चिंता हो रही है ऐसे दादी जी ने बोला। तो सूरज भाई ने बोला कि दादी जी कोई बात नहीं सब हो जाएगा, आप है ना बाबा साथ में है। और बोला कि तुम जाएगा, सूरज भाई को बोला तुम जाओगे, हाँ दादी, तो मैं साथ में था, इसको भी साथ में ले जाना। तो मेरा तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मधुबन छोड़ना नहीं चाहता था मैं, कि वहाँ तो जंगल है ये है ऐसा। तो भी दादी जी ने बोला तो जी दादी किया, और 2 साल तक मधुबन और इधर मधुबन इधर। फिर 2 साल जब ज्ञान सरोवर तैयार हो गया तो एक दिन सूरज भाई ने कहा कि आपको पूरा इधर ही रहना है। तो मुन्नी बहन के पास गया, दीदी मैं है ना सेवा उधर करूँगा लेकिन रहूँगा मधुबन। फिर लेकिन पहली साल इतनी सेवा हुई 13 कॉन्फ्रेंस, सोने के लिए भी टाइम नहीं, तो कमरा देखने ले कौन जाएगा उधर। फिर खुद ही मैंने दीदी को बोला कि दीदी ये कमरा खटिया ले लो हमारी, हमको नहीं चाहिए। ओम शांति। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों के कारण हम यहाँ है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं मुख से, आप सभी को देख करके बहुत खुशी हो रही है और कुछ नहीं निकल कितना सुंदर होगा ज्ञान सरोवर के ऊपर तो बाबा का आशीर्वाद है ही, छत्र छाया है ही, लेकिन आज आप सभी को यहाँ 2 दिन से यहाँ देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जो भी ज्ञान सरोवर में विघ्न है जो भी ये है तो सब टल गया है और सुचारू रूप से, वैसे तो अभी तक तो सुचारू रूप से चल ही रहा है सारा कारोबार, लेकिन और भी इस धरनी में शक्ति भरी है। और आज सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो एक संकल्प आया कि पांडव भवन में तो भट्टियाँ चलती है और शांतिवन में भी बीके भाई बहन बहुत आते हैं, वहाँ भी भट्टियाँ चल रही है, लेकिन ज्ञान सरोवर में ज़्यादातर करके मेहमान यहाँ आते हैं और फॉरेनर्स के सीज़न में थोड़े बहुत फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन ऐसे टीचर बहनें यहाँ पुरानी बहनें यहाँ आकर के रहे और भट्टियाँ हों तो वो ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। तो ऐसा प्रोग्राम साल भर में 1-2 भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और सभी चाहते भी हैं ज्ञान सरोवर में रह करके भट्टी करे, साइलेंस भट्टी करे। तो ये अर्जी हम मुन्नी बहन जी को दे रहे हैं, उनके हों तो वो भी आए। राघविंदर भाई आई, और जैसे आप सभी को पता है हमारे अशोक भाई जी का बहुत
मेहनत रहा है यहाँ जब ज्ञान सरोवर बन रहा था उसके लिए परमिशन लेना इतना बहुत सारे मेहनत उन्होंने यहाँ की और जब फॉरेनर्स के साथ हमारा सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन हो रहा था तो सूरज भाई ने बहुत सुंदर बातें कही कि इनके चप्पल और शूज़ भी घिस जाते थे इतना मेहनत उन्होंने क्योंकि यहाँ रास्ता भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था तो टू व्हीलर्स पे आते थे चल के आते थे बहुत सारे मेहनत अशोक भाई जी ने इस ज्ञान सरोवर के लिए किया है तो आपसे भी हम दो शब्द सुनना चाहते हैं। आप सभी दीदी दादियों का और हमारे वरिष्ठ बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस ज्ञान सरोवर में रहते 25 साल से ज़्यादा हो गए, उससे पहले मधुबन में थे, उससे पहले शांति सरोवर में थे, तो मैं समझता हूँ कि आप सबको यू आर मोस्ट डिजर्विंग फॉर दिस फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। योगिनी दीदी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हमने कहा कि दीदी जब जब ट्रैवलिंग में जाते हैं निर्मला दीदी जी तो हमारे कई यहाँ बहनों को दीदी निमंत्रण देती है कि आप लोग आओ और ज्ञान सरोवर में सेवा करो तो हम लोग आते हैं। सभी जो भी बहनें आती है बहुत अच्छा अनुभव करती है और बहुत अच्छा सबको लगता है तो हम सब दीदी की सेवा में हाजिर है जब बोलेंगे तब। सभी दीदियों से निवेदन है कि आगे आकर के दीप प्रज्वलन और केक कटिंग करेंगे। हम नाम कितनों का ले सकते हैं कितनों का नहीं, हर ज्ञान सरोवर निवासी महत्वपूर्ण है, उनकी सेवा महत्वपूर्ण है। काफ़ी गुप्त भाई भी हैं, भाई बहनें हैं जो सेवाएं दे रहे हैं। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप सबकी सेवाओं को चार चांद लगाता रहे, सेवाएं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहें, ये हमारी शुभ भावना है। डॉक्टर अशोक मेहता जी से निवेदन है आप भी मंच पे आए, कैंडल लाइटिंग में सहयोग करें। डॉक्टर अशोक मेहता जी कितना सुंदर होगा। आचार्य गुरुदेव भाई जो आए हैं, आचार्य हरि कृष्णा जी जो आए हैं, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर कल्याण रूप शिव संकल्पों का, कल्याण रूप शिव संकल्पों का मूर्त रूप है ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर। कल्याण रूप शिव संकल्पों का मूर्त रूप है ज्ञान सरोवर। नव सृष्टि के नव सृजन हित हमें प्रेम जल से सिंचन करता ये सृष्टि कल्प वृक्ष का, परमात्मा प्रेम जल से सिंचन करता ये सृष्टि कल्प वृक्ष का, ज्ञानामृत से प्यास बुझाता गौमुख ये।